सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, 1000 की हमारी फैमिली हो चुकी है। और प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ये फैमिली को और बड़ी करते रहिए, ताकि बहुत लोगों को मैं अपना लाइफ स्टाइल दिखा सकूँ, अपने बारे में बता सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। देखिए मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना ही मैं कोई मास्टर हूँ। मैं जो भी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी गट फीलिंग है। ठीक है, यूट्यूब पे या जहाँ भी आपको जो भी जितने लोग भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं बता रहे हैं, उसमें से 90% लोग आपको अपने कोर्स खरीदने के लिए बोलेंगे। ऐसा मत करिएगा, ये टाइम कोर्स खरीदने का नहीं है मेरे भाई लोग, ये टाइम है कि जितना सीखा है उसको मजबूत बनाने का, समझे। आज मैं आपको एक जीएसटी सिंपल सी स्ट्रेटजी बताऊंगा, मेरे हिसाब से, मेरे गुरुजनों के हिसाब से जिनसे मैंने पढ़ाई की है, उनसे कुछ मैंने सलाह मशवरा करके ये स्ट्रेटजी बनाई है और मैं आपको ये देने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं जीएस की स्ट्रेटजी। जीएस 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। मैं आपको बता रहा हूँ कितने पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है प्रीवियस ईयर, दूसरा पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स, और तीसरा पढ़ना है जो इधर उधर से निकाल के चीजें पढ़नी है, जहां से आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं वो। ठीक है, दो दो किताबें बताऊंगा मैं आपको, करेंट अफेयर्स आपको खुद से देखना कि आप कहाँ से कर सकते हैं, किसका याद होता है, क्योंकि बतेरे करेंट अफेयर्स पढ़े हुए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स कम से कम 1 साल का करना है, ये बता के करेंट अफेयर्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर्स 1 साल का करना है, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से आप कर लीजिए। अब बात आती है कि जो 25 क्वेश्चन करेंगे हम वहां से करेंगे कैसे। सबसे पहले तो भाइयों आपको प्रीवियस ईयर करना है। प्रीवियस ईयर की सबसे अच्छी किताब मेरे हिसाब से किरण पब्लिकेशन जो देती है वो है बेस्ट बुक, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मेरे पास भी वही है, मैं उसी से पढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको ये किताब खरीदनी है, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर टिल डेट। इस किताब के फायदे क्या हैं? आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के सारे सवाल मिल जाएंगे। अगर आप पूरी सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप एक एक चैप्टर के एक क्वेश्चन को अगर इसको करते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके पीछे बहुत बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हर क्वेश्चन का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन को करने का मतलब ये होता है कि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 3, 4, 5 क्वेश्चन भी साथ साथ तैयार करते जा रहे हैं, और इससे आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये दो सबसे बड़ी खासियत है इस किताब की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर करना है, तो इससे अच्छी किताब कोई नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको ले आइए, 3 महीने का समय आपके पास इसको खत्म करने का, 2 से 3 बार। इस किताब को आपको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज रट्टा मारना है विथ डिस्क्रिप्शन, एवरी क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को कलर कर करके कर करके जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको रटना है, लिटरली रटना है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या बोलते हैं मोदी जी, भाइयों एंड बहनों, तो वैसे ही समझ लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक आपके पास है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं है तो उसको ले आइए। लेटेस्ट एडिशन 10th एडिशन आपको मिलेगा 2021 का, उस किताब को ले आइए और पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक रट जाइए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25 में से आप 15 से 16 सवाल 100% करोगे, 110%। थर्ड थिंग आता है स्टैटिक जीके, जो बहुत ज्यादा इस समय एसएससी पूछ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता हूं उसके बारे में, क्योंकि उसका कोई भी छोर नहीं है, ना अंत है ना शुरुआत है। इसीलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो टीसीएस के सवाल अभी तक पूछे हैं जीके के, स्पेशली जो आपको करंट किरण की इस किताब में मिल जाएगा, 2019-18 से लेके अभी तक 22 तक जितने भी क्वेश्चन जीके में पूछे गए हैं टीसीएस के, सब इसमें इंक्लूडेड है, आपको ये किरण पब्लिकेशन की किताब में मिल जाएगा। उनको रट्टा मारना है, रट्टा मारने के बाद देखना है कि किस टॉपिक्स से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डांस फेस्टिवल्स, ट्रांसपोर्टेशन, माउंटेन्स, जो भी कुछ है, जहां से भी आपको दिखता है कि हाँ ये टॉपिक से पूछे गए हैं, एक बार उन सब टॉपिक्स को थोड़ा सा सब्जेक्टिव में जाके यूट्यूब से आप सर्च करके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ये लास्ट है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर रटना है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव किताब को रटना है,
स्पेशली प्रीवियस ईयर में आपको टीसीएस के 2018 से लेके 22 तक के क्वेश्चंस को रट्टा मारना है विथ डिस्क्रिप्शन, ठीक है? इतना काम आपको करना है जीके के लिए, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर, लूसेंट, चार चीज। करंट अफेयर्स आप खुद से करेंगे एक साल का कम से कम, लूसेंट आपको रट्टा मारना है, प्रीवियस ईयर आपको दी मस्ट रट्टा मारना है, हाँ, एंड द स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर ही है आपको करना। इतना काम करेंगे आपको कोई नहीं रोक सकता जीके में अच्छा स्कोर करने से। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मेरे गुरुजनों की स्ट्रेटजी है, बाकी बहुत लोग स्ट्रेटजी बता रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज दम लगा के पढ़िए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सीजन क्रैक करने का, ठीक है? चलिए, नमस्कार, जय हिंद।